दोस्तों आज मैं आपको काली हल्दी की रेमेडीज़ बताऊंगी। जिस तरह से पीली हल्दी की रेमेडीज़ या उपाय होते हैं, इसी तरह से काली हल्दी की रेमेडीज़ उपाय होते हैं। काली हल्दी दरअसल हल्दी की ही एक प्रजाति जो दिखने में अंदर से हल्के काले रंग की होती है। काली हल्दी बहुत ही गुणकारी होती है और इसमें वशीकरण की अद्भुत शक्ति होती है। तंत्र विद्या में काली हल्दी के बहुत से चमत्कारी टोटके बताए गए हैं। काली हल्दी को धन समृद्धि के लिए विशेष माना जाता है। आइए जानते हैं कि काली हल्दी के कुछ ऐसे अचूक टोटके या उपाय या रेमेडीज। काली हल्दी की कुछ रेमेडीज, अगर किसी को नज़र लग गई है तो काले कपड़े में काली हल्दी की गांठ बांधकर 7 बार उस पर से उतारें और बहते जल में प्रवाह कर दें। कोई नया काम अगर शुरू करने जा रहे हैं तो पहले काली हल्दी का तिलक लगाएं, काम शुरू सफल होगा। धन प्राप्ति के लिए शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को चांदी की डिब्बी में काली हल्दी, नाग केसर तथा सिंदूर को लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने रखकर पूजा करें और फिर अपनी तिजोरी में रख दें। घर में शांति के लिए काली हल्दी को सिद्ध करके एक काला कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर टांग दें। व्यापार में सुधार के लिए एक पीले कपड़े में काली हल्दी, 11 गोमती चक्र, 1 चांदी का सिक्का तथा 11 कोड़ियाँ बांधकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें और तिजोरी में रख दें। अगर किसी व्यक्ति की बीमारी सालों से ठीक नहीं हो रही है तो गुरुवार के दिन आटे के 2 पेड़े बनाकर उसमें गीली चने की दाल के साथ गुड़ और थोड़ी सी पिसी काली हल्दी को दबाकर रोगी व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार कर गाय को खिला दें। शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से नियमित रूप से काली हल्दी पीस कर तिलक लगाने से गुरु शुभ फल देने लगेंगे। दिवाली के दिन पीले वस्त्र में काली हल्दी के साथ 1 चांदी का सिक्का बांधकर तिजोरी में रख दें। वर्ष भर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। गुरु पुष्प नक्षत्र को काली हल्दी से सिंदूर में रखकर धूप देने के बाद लाल कपड़े में लपेटकर 1-2 सिक्कों के साथ उसे तिजोरी में रख दें। धन की वृद्धि होने लगेगी। दोस्तों काली हल्दी को कैसे सिद्ध किया जाता है, चलिए बताते हैं। किसी भी अष्टमी को काली हल्दी सिद्ध कर सकते हैं। इस दिन प्रातः उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूर्व की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाएं। तत्पश्चात काली हल्दी की गांठ के धूप दीप देकर नमस्कार करें। फिर उगते हुए सूर्य को नमस्कार करें और 108 बार ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें। इसके बाद तथा स्थापित काली हल्दी की पूजा करें। फिर पूरे दिन व्रत रखें और फलाहार करें। जब भी काली हल्दी के टोटके का उपाय करें यह सावधानी जरूर बरतें। काली हल्दी सिद्ध करके समय मूली, गाजर और जिमीकंद का प्रयोग वर्जित है। काली हल्दी के टोटके उपाय सच्चे मन से विश्वास से करें तभी वो सफल और फल देते हैं। होली का दिन तांत्रिक क्रियाओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। इस दिन आमंत्रित की हुई जड़ी बूटियां काली हल्दी घर लाई जाती है। होली के दिन कई प्रकार के मंत्रों की सिद्धियां भी की जाती हैं। काली हल्दी दिखने में अंदर से हल्के काले रंग की होती है। उसका पौधा केली के समान होता है। काली हल्दी में बहुत ही गुणकारी प्रभाव होता है। इसमें वशीकरण की अद्भुत क्षमता होती है। काली हल्दी के पौधे को कुमकुम पीले चावल से आमंत्रित कर होली वाले दिन लाया जाता है। एक थाली में कुमकुम चावल, अगरबत्ती, एक कलश में शुद्ध जल रख पवित्र कोरे वस्त्र पहनकर जाएं। फिर पौधे का शुद्ध जल से धोकर कुमकुम चढ़ाएं। वह पीले चावल चढ़ाकर 5 अगरबत्ती लगाएं। कहे, मैं आपके पास अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु आई हूँ। कल आपको मेरे साथ मेरी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु चलना है। फिर होली की रात को जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर कहें कि मैं आपके पास आई हूँ, आप चलिए मेरी मनोकामना की पूर्ति हेतु। इस प्रकार काली हल्दी को खोद कर ले आए और बस उसके आपके काम की है। यह काली हल्दी आपके जीवन में अपार शुभता लाएगी। इसे जिस का मनोकामना के लिए लेकर आए हैं तब तक रखें जैसे कि कामना पूरी हो नदी में विसर्जित कर दें। अगर आप हर तरह की शुभता के लिए इसे लेकर आना चाहते हैं तो चांदी के पात्र में रखकर तिजोरी में बंद